हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सिबेश, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके यहाँ पे UK SSC और UK PSC के एग्जाम को लेके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे, और कुछ लोगों के तो मुझे यहाँ पे पर्सनली भी यहाँ पे मैसेज आते हैं कि आप हमें यहाँ पे एग्ज़ाम को लेके यहाँ पे मोटिवेशन दें कि हमें यहाँ पे कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है, और किस एग्ज़ाम की हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। और दोस्तों, कुछ लोगों के तो यहाँ पे ऐसे मैसेज आते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद ही नहीं होता है सर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक आप यहाँ पे शेयर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर आपके यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे मैसेज मिलते हैं कि आप हमें यहाँ पे मोटिवेशन दीजिए कि हमें किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो आपके में मोटिवेशन है वो आप यहाँ पे खुद हैं, और आपकी जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं उन्हीं में आपके यहाँ पे मोटिवेशन छिपा है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे मोटिवेशन होना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने माता पिता, भाई बहन को यहाँ पे देखें और अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देखें, ठीक है। उसी से आपके यहाँ पे सबसे अधिक आपके यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं तो केवल आपको यहाँ पे दिमागी मोटिवेशन दे सकता हूँ, लेकिन जो आपके यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जैसे कि माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ये आपके यहाँ पे क्या करते हैं, मन से मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे किसी भी ग्रुप सी की एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे PCS लेवल की यहाँ पे तैयारी करें, अभी आपके यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं अभी यहाँ पे आपने फॉर्म भर लिया, ठीक है, और हम यहाँ पे तैयारी थोड़े महीने बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब से आपके यहाँ पे फॉर्म आते हैं, यानी कि आज ही आपके यहाँ पे फॉर्म आया और आज से ही आप यहाँ पे तैयारी में लग जाइए, तो वो सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, वही अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं आपके यहाँ पे जब आपके यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट आएगी फिर आप यहाँ पे तैयारी करेंगे, या एग्ज़ाम डेट आने से एक महीने पहले आप यहाँ पे तैयारी करेंगे फिर आप यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब से आपके यहाँ पे फॉर्म निकल चुके हैं, यानी कि आज ही आपके यहाँ पे विज्ञप्ति निकली है, तो उसके अगले दिन से आप यहाँ पे तैयारी शुरू कर लें। उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी आपके यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे परचेज कर लें, और तब तक दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ें जब तक आपके यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। भले अगर आपके यहाँ पे एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके यहाँ पे पढ़ाई करनी नहीं छोड़नी है, आपके यहाँ पे कंटिन्यू आपके यहाँ पे पढ़ाई करनी है, अगली बार आपके यहाँ पे सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा दोस्तों, ये मैं आपके यहाँ पे विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पढ़ाई एक यहाँ पे ऐसा हथियार है जिससे वो यहाँ पे आने वाले भविष्य में आपके यहाँ पे दुविधाओं से यहाँ पे लड़ सकता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे पढ़ाई यहाँ पे अच्छी कर रखी है, अगर आपने यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। आपके यहाँ पे कंटिन्यू आपके यहाँ पे पढ़ाई करनी है, एक निरंतरता के साथ आपके यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज आपने यहाँ पे किताब निकाली, आपने यहाँ पे एक दो घंटे पढ़ाई की, या फिर आपने यहाँ पे 6 घंटे पढ़ाई कर ली आज, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, अगले दिन आप यहाँ पे कोई मूवी आ गई, आपने यहाँ पे वो मूवी देखनी शुरू कर दी, या फिर आपने यहाँ पे फेसबुक या व्हाट्सअप वगैरह में आप यहाँ पे चैटिंग में लग गए, ठीक है, तो वो दिन आपके यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे जो निरंतरता है वो आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके यहाँ पे क्या करनी है, रेगुलरिटी आपके पास यहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति जो आपके मन में लगन है, दिमाग में लगन है, वो आपके यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो वही आपके यहाँ पे एग्ज़ामों में भी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम के यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो उस एग्ज़ाम में जब तक आप यहाँ पे सफल नहीं होते हैं तब तक आपकी लगन यहाँ पे उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे आज पढ़ाई की फिर नहीं की। तो दोस्तों, लगन और निरंतरता आपके यहाँ पे सफलता का यहाँ पे मूल मंत्र है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे दशरथ मांझी को आप यहाँ पे जानते ही होंगे, द माउंटेन मैन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, पहाड़ को यहाँ पे चीर करके यहाँ पे सड़क बनाई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये थी आपके यहाँ पे लगन और निरंतरता। तो आपके यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे कार्य करते हैं तो उसके प्रति आपके यहाँ पे निरंतरता, लगन होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, दशरथ मांझी का आपके यहाँ पे एक फेमस डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, जब तक आप यहाँ पे लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप यहाँ पे पढ़ाई छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो रहा आपके यहाँ पे मोटिवेशन। अगर आपके यहाँ पे मेरी बातों से यहाँ पे मोटिवेशन मिल गया होगा तो ठीक है, अगर आपके यहाँ पे नहीं मिला तो आप अपने घर वालों से यहाँ पे मोटिवेशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल था दोस्तों आप सभी का यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कितने घंटे यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे 8 से लेकर 12 घंटे तक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 4 घंटे आप यहाँ पे सुबह पढ़ें, ठीक है, और शाम को आप यहाँ पे 4 घंटे पढ़ें, तो ये तो आपके यहाँ पे 8 घंटे का डेली रूटीन रहा, ठीक है।
अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे दिन में एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप यहाँ पे दिन में भी आप यहाँ पे 2 या 4 घंटे आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही आपके यहाँ पे स्टूडेंट की बात, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो यहाँ पे कैसे पढ़ें? तो 7-8 घंटे की आपके यहाँ पे जॉब होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे कुछ ही समय यहाँ पे बचता है, तो दोस्तों जॉब वाले जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे 6 घंटे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे जॉब वाले अभ्यर्थी हैं, तो सुबह आप यहाँ पे 4 बजे उठ के आप यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर लें, तो सुबह आप यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं और शाम को आप यहाँ पे 3 घंटे आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपके यहाँ पे बताऊँगा ये जो आपके यहाँ पे 6 घंटे इसमें आपको यहाँ पे कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। और दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे हाउस वाइफ हैं, यानी कि गृहिणी हैं, ठीक है, जिनकी आप यहाँ पे शादी हो चुकी है और दिन में अपने घर परिवार को यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई करें? तो दोस्तों वह भी आपके यहाँ पे 6 से लेकर 8 घंटे आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे ये टाइम आपके यहाँ पे कैसे निकालना है वो आपके यहाँ पे सोचना पड़ेगा। मैंने तो आपके यहाँ पे बता दिया कि इतने इतने घंटे आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, लेकिन ये टाइम आपको यहाँ पे कैसे मैनेजमेंट करना है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब भी दोस्तों आपके यहाँ पे समय मिलता है आप यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर लें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। अब देखिए दोस्तों जो आपके यहाँ पे समय, जिस समय में आप यहाँ पे मूवी वगैरह देखते हैं, जिस समय में आप यहाँ पे सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो उससे आपको यहाँ पे समय लेना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको यहाँ पे समय देना है पढ़ाई को, तो आपके यहाँ पे जो आराम का समय, जिस समय आप यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, तो उस समय से आपको यहाँ पे समय काटना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे रात को यहाँ पे 11 बजे सो जाते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे इसको कट करना है, आपके यहाँ पे 12 बजे सोना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 12 बजे सोते हैं तो आपके यहाँ पे 1 बजे सोना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपके यहाँ पे 4 बजे उठना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे समय बचाना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे पढ़ाई कैसे करनी है? जो अभ्यर्थी यहाँ पे 8 से 12 घंटे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उन लोगों की तो यहाँ पे सही है, ठीक है। 4-4 घंटे आप यहाँ पे हर सब्जेक्ट को यहाँ पे दे सकते हैं। और दोस्तों जब आप यहाँ पे पढ़ाई करें तो उसके अगले दिन जब आप यहाँ पे पढ़ाई करें तो 1 घंटा तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिविज़न कर लें, ठीक है। तो रिविज़न आप यहाँ पे अवश्य ज़रूर करें, ठीक है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी यहाँ पे 6 घंटे से लेकर 8 घंटे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो वह यहाँ पे 2-2 घंटे यहाँ पे हर सब्जेक्ट को दें, ठीक है। सुबह आप यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे कि हिंदी पढ़ लिया, दिन में आप यहाँ पे उत्तराखंड पढ़ लें, शाम को आप यहाँ पे इतिहास का यहाँ पे पोर्शन पढ़ लें या स्टैटिक जीके का पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना समय यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे समय को बचाना सीख लिया तो आप यहाँ पे आधे से ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही आपके यहाँ पे पढ़ाई की बात। और दोस्तों बाकी आप सभी के यहाँ पे हाथ में कि आपके यहाँ पे कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई करनी है, किस घंटे आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, क्या समय होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे खुद देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप सभी का, आपके यहाँ पे किस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करें? तो देखिए दोस्तों हाल ही में आपके यहाँ पे बहुत सारी विज्ञप्तियाँ आपके यहाँ पे जारी हो चुकी हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे BDO BPDO हो गया, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे कनिष्ठ सहायक हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे अपर PCS हो गया, लोअर PCS हो गया, तो बहुत सारी पोस्टें आपके यहाँ पे आ रखी हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे किस पोस्ट की यहाँ पे तैयारी करनी है? तो देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्रुप सी एग्जाम के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे BDO BPDO, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, इन तीनों को एग्जाम के यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आपके पास सिलेबस है वो लगभग आपके यहाँ पे सेम है। तो दोस्तों जिन भी परीक्षाओं का आपके यहाँ पे सिलेबस सेम है तो आप यहाँ पे उन परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी करें, आप यहाँ पे अन्य पोस्ट में यहाँ पे ना जाएं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे इन सभी ग्रुप सी के यहाँ पे फॉर्म भर लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे BDO का भी भर लिया, पटवारी का भी भर लिया, ठीक है, फिर फॉरेस्ट गार्ड का भी भर लिया, तो आप यहाँ पे इनमें से कोई भी यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दें और आपके यहाँ पे एम होना चाहिए कि हमें यहाँ पे इस पोस्ट में यहाँ पे ज्वाइनिंग प्राप्त करनी है तो करनी है, चाहे फिर आपके यहाँ पे आंधी आए या तूफान आए, हमें यहाँ पे इस पोस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट होना है तो होना है, और हमें यहाँ पे इसी वर्ष यानी कि 2021-22 में यहाँ पे सिलेक्ट होना है, ठीक है। तो इसी लक्ष्य को लेकर आप यहाँ पे चलें तो आप यहाँ पे अवश्य ही यहाँ पे सफल होंगे। अगला व लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे काफ़ी यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, जो कि आपके यहाँ पे हर स्टूडेंट का है, ठीक है, कि हम यहाँ पे पढ़ते तो हैं और लेकिन हमें यहाँ पे याद नहीं होता है सर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों याद ना होने की जो आपके यहाँ पे ये बीमारी है यहाँ पे सभी स्टूडेंट की है, ठीक है, चाहे वो आपके यहाँ पे PCS लेवल का हो या फिर आपके यहाँ पे IAS लेवल का भी यहाँ पे अभ्यर्थी हो, उसको भी यहाँ पे क्वेश्चन याद नहीं रहता है। अब देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे याद कैसे रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, मान लीजिए हमने आज यहाँ पे उत्तराखंड इतिहास का यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा कत्यूरी वंश, ठीक है, तो उससे जितने भी आपके हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़े हमको यहाँ पे क्या करने हैं, लिख के यहाँ पे याद करने हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख के उसको यहाँ पे याद करें, फिर उसकी आपके यहाँ पे ट्रिक आपको यहाँ पे बनानी है याद रखने की,
तो दोस्तों इस कत्यूरिक वंश के रिगार्डिंग जितनी भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको याद रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक बनाएं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे उस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे याद करते हैं तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे याद करने की क्षमता है वो आपके यहाँ पे धीरे धीरे आपके यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। अगर आज यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से याद करोगे, फिर आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप याद करोगे, तो धीरे धीरे आपके यहाँ पे याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो जो चीज़ आपके यहाँ पे याद करनी है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एक पन्ने में आपके यहाँ पे लिखना है और उस पन्ने को आपके यहाँ पे अपने फ़ोन के वॉलपेपर में आपके यहाँ पे सेट कर देना है, क्योंकि फ़ोन तो आप यहाँ पे बार बार देखते हो। अगर आप यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे बार बार देखोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ यहाँ पे छप जाएगी और आपके यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण ट्रिक है आपके यहाँ पे याद करने की। और बाकी चीज़ें आपके यहाँ पे क्या करना है, अपना माइंड यहाँ पे फ्रेश रखना है, फालतू चीज़ें आपके यहाँ पे नहीं सोचनी है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपके यहाँ पे सभी सवालों को आपके यहाँ पे जवाब दे दिए हैं। होप करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी वीडियो से यहाँ पे वंचित ना रह पाएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।